आवाज आ रही है? यस। तो हाँ सर, आ रही है। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। अब इसमें कार्य की बात कर रहे हैं यदि हम, तो अगर जैसे मान लीजिए बेटा, ये आपके पास में बल की दिशा है। बल को किससे नापते हैं? आपने एफ न्यूटन का बल लगाया, कितने न्यूटन का? एफ न्यूटन का। थोड़ा तेज बोलिएगा प्लीज, है ना? और जी सर, हाँ, एफ न्यूटन का बल लगा करके आपने इसको बल की ही दिशा में एस दूरी पर प्रतिस्थापित कर दिया, एस दूरी पर घसीट दिया। तो जो आपका यहाँ पर किया गया कार्य होगा, कार्य बराबर सीधे निकलेगा बल गुणे दूरी। क्या निकलेगा? दूरी। बल गुणे दूरी। इसमें यहाँ पे कार्य की वैल्यू निकली बल गुणे दूरी। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। बल बराबर होता है वर्क बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो इसको यदि आप हल करते हो बेटा, तो फॉर्मूला अपने पास जो लगता है डॉट प्रोडक्ट का, फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी क्या होता है, पता है ना क्या होता एबी है? कॉस थीटा। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। ए बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? यस सर। चलिए तो एक सवाल लेते हैं सबसे पहले इसमें, है ना? एक सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है? 10 किलोग्राम की एक बॉडी है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध, पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में, 10 मीटर ऊपर उठाने में, ठीक ना, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 10 मीटर ऊपर उठाने में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बोलो बेटा कितना होगा? सर एक क्वेश्चन फिर से बोलिए। 10 किलोग्राम की एक वस्तु है, द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। और इसको उठाया है कितने मीटर आपने? 10 मीटर ऊपर उठाया है। इसको 10 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाएगा बताइए, व्यक्ति द्वारा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। गलत, बिल्कुल गलत है। 100 न्यूटन नहीं होगा, है ना? पहली चीज, जो कार्य है वो जूल में आता है, तो आपने गलत जवाब दिया। 100 न्यूटन नहीं होगा। देखिए कितना होता है, वर्क बराबर इज इक्वल टू होता है, अब बल कहाँ लग रहा है बेटा? ऊपर लग रहा है। और विस्थापन भी कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। तो उठा भी ऊपर की तरफ रहा है और विस्थापन भी नीचे ऊपर की तरफ हो रहा है। तो बल कितना लगा है? 10 का 10, सॉरी, बल कितना लगेगा देखिए यहाँ पे। तो एफ इक्वल टू कितना होता है बेटा? एम ए। तो यहाँ पर इसको कितने से उठाना पड़ेगा समझो इसको, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? एम जी। तो जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर भी लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, ठीक ना? तो वर्क की जगह कितना आएगा? बल यस एम जी इंटू विस्थापन है एस। तो एम का मान कितना है? 10 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9.8। और एस कितना है? 10 मीटर। सो आंसर 10 गुणे 10 कितना हो गया? 100 गुणे 9.8। आंसर कितना हो गया? 980 जूल, 980 जूल। समझ में आया? यस सर। नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा 980 जूल। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर टू लिखिए, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाकर, एक पिंड पर, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाकर, सर। ठीक है ना, उसे बल की दिशा में, उसे बल की दिशा से
एंगल की दिशा से? अच्छा, 60 डिग्री कोण पर ऐसा 20 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। जी सर। ठीक ना? यस सर। किए गए कार्य की गणना कीजिए। इस अवस्था में आपको किए गए कार्य की गणना करना है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, वर्क का फॉर्मूला जो एक्चुअल होता है वो बनता है वर्क इज इक्वल टू बल और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एट एफ डॉट एस। क्लियर है? यस सर। इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा बेटा, एफ एस कॉस थीटा। क्या बनेगा? एफ एस कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। हाँ, इस बार थीटा कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। पिछले बार सिक्सटी थीटा डिग्री कितना हो गया था बेटा? 0 डिग्री हो गया था। तो थीटा के जीरो 0 डिग्री होने की वजह से डायरेक्ट फार्मूला कितना आया था? एफ इंटू एस आया था। मगर इस बार जो फार्मूला आएगा वो आएगा एफ एस कॉस 60। कॉस 60 मतलब 0, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यस। एफ, एफ का मान कितना है? 14 टू 40। एस का मान कितना है? 20। और 20 कॉस थीटा यानी कॉस 60, कॉस 60 कितना? 1/2। 1/2 40 इंटू 20 कितना हो गया? 800। ओके, इंटू 1/2 आंसर कितना आएगा? 400 जूल। जून। नोट करो। सो आंसर इसका आ जाएगा 400 जूल। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए, जो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के, जिसको हम कहते हैं के का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? यस तो यदि हम 2 को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे 2 के बराबर बनेगा एम वी स्क्वायर। क्लियर? यस हाँ, के 2 के बराबर एम वी स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम यहाँ से के बराबर एम बाई टू वी का स्क्वायर। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? के यस सर लिख सकते हैं। बराबर एम बाई टू का स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो बेटा कि अगर यहाँ पर एम नियतांक है, अगर आपने एम क्या कर दिया, नियतांक, अगर एम आपका नियतांक है तो के प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? वी स्क्वायर के हो जाएगा। मिस पर तो यस सर। के वन अपॉन के टू क्या निकल करके आएगा? वी वन स्क्वायर अपॉन वी वन ऑफ वी टू वी टू स्क्वायर। स्क्वायर क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके, और अगर आपने वी कांस्टेंट कर दिया तो के प्रोपोर्शनल टू एम वन अपॉन एम टू। अगर वी नियतांक है तो ये भी लिख लो कि यदि वी नियतांक है तो के प्रोपोर्शनल टू एम वन अपॉन एम टू, सॉरी के प्रोपोर्शनल टू एम, इसका मतलब के वन अपॉन के टू इज अपॉन के इक्वल्स टू टू एम वन अपॉन एम टू। एम टू ठीक, यस सर। चलिए सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ये लिख लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा 10 जूल है। 10 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा 10 जूल है। पिंड का वेग क्या यस होना चाहिए? पिंड का वेग क्या होना चाहिए कि उसकी गतिज ऊर्जा 90 जूल हो जाए? पिंड का वेग क्या होना चाहिए कि उसकी गतिज ऊर्जा 90 जूल हो जाए? यस चलिए करिए जल्दी से। तो पिंड की पहली वेग दी हुई है, उसकी पहली गतिज ऊर्जा दी गई है, अब आपको दूसरी वाली गतिज ऊर्जा दी गई है और वेग पूछा गया है। यस सर।
युवराज एक कप सिंक में रखिया। वहां रख दो। अच्छा उधर वहां। अंडर रूट में 900 आ रही है। अंडर रूट 900 मतलब बिल्कुल सही, 30 30 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट नाइन हाँ हंड्रेड सर, जो होता सॉरी सर, है ना, अंडर हाँ रूट सर, नाइन हंड्रेड थर्टी इक्वल टू मीटर होता है 30 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 500 ग्राम की एक गेंद प्रारंभ में विरामावस्था में है। 500 ग्राम की एक गेंद है ना, तो m बराबर 500 ग्राम। तो करना क्या पड़ेगा बेटा, देखते ही सवाल को पहले बदल लो SI सिस्टम में, मतलब किलोग्राम में। तो 500 को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग दे दोगे। समझ में आया? यस सर। तो 0 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बन जाएगा 0.5 kg। क्लियर? यस सर। ये बन गया 500। तो 500 ग्राम की एक गेंद प्रारंभ विरामावस्था में है, मतलब इसकी प्रारंभिक वेग कितनी है, जीरो। लिखो, इस पर 10 सेकेंड तक 2 न्यूटन का बल लगाया जाता है। अब इस पर जो है 10 सेकेंड तक लगातार 2 न्यूटन का बल लगता है, 2 न्यूटन का बल लगता है। इस गेंद की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। बताइए कि 10 सेकेंड के बाद इस गतिज की गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको आपको बताना है गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अरे हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ओके सर, नहीं बन रहा है ये। नहीं बन रहा। चलिए देखिए, देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले 10 सेकंड तक यहाँ पर आपने क्या लगाया है, 10 सेकंड तक आपने यहाँ पे फोर्स लगाया। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चाहिए है कि हमें वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे वेग चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे हाफ एमवी स्क्वायर क्या है। ओके, यू कितना है, जीरो है। यस और 10 सेकंड तक आपने यहाँ पे बल लगाया है। कितना बल लगाया है यहाँ पे, आपको मैंने बताया था अभी, बल मैंने कितना बताया था, 2 न्यूटन। दो चलिए, बल आपने लगाया है 2 न्यूटन। तो आप जानते हैं कि एफ बराबर होता है एम इंटू ए, तो 2 न्यूटन का बल लगा है, तो दो न्यूटन बराबर द्रव्यमान कितना है बेटा अपने पास, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब 0.5, 0.5 इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा जी, ए आ जाएगा 2/0.5। तो डेसिमल ब्रेक करोगे तो ऊपर 10 बन जाएगा ना, यस सर, तो फोर 20/4 5 मतलब कि 4 m/s² का एक्सलेशन हो गया। अब लगा दीजिए क्या फॉर्मूला, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी निकालना है, यू कितना है, जीरो है, एक्सलेशन कितना है, 4 का है। ओके, और टाइम कितने सेकंड है बेटा, 10 सेकंड का टाइम है ना। तो वी बराबर कितना यस हो गया, 40 m/s आ गया। वी बराबर 40 m/s। सर,
हाँ सर, नौ। हमारा भी आया था। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हाफ हो गया। एम की वैल्यू कितनी है बेटा? एम की वैल्यू यहाँ पर 500 ग्राम, मतलब 0.5। ओके, 0.5 इंटू वी का यस स्क्वायर बोले तो 40 इंटू 40। क्लियर? सर, यस सर। ठीक है ना, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा। हाँ एक एक मिनट, इसको सबसे पहले ब्रेक कर दो, नीचे 10 बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर है ना? यस सर। ओके, 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16, 160। 160 गुणे 5 बटे 2, तो 160 गुणे 5, 16 पंचे 80 और 2 इधर और बटे 2, तो 2 से कट गया। बोलो आंसर कितने जूल? 400 जूल। ठीक है, यस सर। नोट कर लो। यस सर, कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं, 6 हो, ये 5 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहेगा वो ये कहेगा कि, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो बेटा, यस 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद बेटा 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, सर। एक गेंद 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी दीवार से टकराती है। एक मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी दीवार से टकराती है और 0.1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसी 8 0.1 0.8 0.8, पहला है 0, पहला है 1 मीटर प्रति सेकंड, फिर दीवार से टकराती है, फिर 0.8 0.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस लौट आती है। ठीक है, यस गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलो करो करो, नहीं बने तो बोल देना नहीं बन रहा सर, फिर मैं बताऊंगा। अभी अपने आपको टाइम दो, 1-2 मिनट। यस ठीक है ना, यस सर। गेंद कितनी है? 100 ग्राम की। ये है, सर नहीं हो रहा है।
चलो देखो बेटा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो वेलोसिटी दी गई है बेटा, एक इसको यू ले लो बेटा, ठीक है ना। पहली वेलोसिटी जो है आप बेटा इसको आप क्या ले लीजिए, यू ले लीजिए, तो यू जो है वो ले लेंगे आप 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यस सर। और वी पीछे आ रहा है तो बताओ धनात्मक तो ले नहीं सकते क्योंकि दिशा बदल गई है, तो वी बराबर आएगा माइनस का 0.8, क्लियर है। जी ओके, तो अब निकालना है कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखते हैं, डेल्टा के बराबर K1 माइनस K2, ठीक है। ठीक है, सर, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे था? कहाँ पे था बेटा, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, के का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। हाँ सर, होता तो है। बेटा पहली गतिज ऊर्जा K1 मानोगे, जब जा रही थी तो गतिज यस ऊर्जा सर, के वन मानो। होगी, यस सर, जो लौट करके आएगी तो गतिज ऊर्जा बदल जाएगी कि उतनी ही रहेगी, बदलेगी सर। बदलेगी क्योंकि थोड़ा सा टकरा करके खर्च कर देगी। तो पहली गतिज ऊर्जा के वन है, हाँ दूसरी सर। गतिज ऊर्जा के टू है, तो मैंने सवाल लिखवाया है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो डेल्टा के बराबर K1 माइनस K2 होगा कि नहीं होगा। होगा सर। K1 माइनस K2, तो 1/2, यही डेल्टा के निकालना अपन। देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है कि नहीं निकालना यस सर। भाई, हमको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही निकालने को कहा गया है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो निकलेगा हमारा वो K1 माइनस K2 निकलेगा। K1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 हाफ mu स्क्वायर, कहाँ आना, यस सर, फिक्स। और इसको लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। यहाँ से 1/2 एम कॉमन है कि नहीं कॉमन है, कॉमन है सर। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर। यस सर, कुछ 1/2 एम का मान कितना है, एम का मान देखो द्रव्यमान कितना दिया था बताओ, 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो 2.1 हंड्रेड केजी। ग्राम 0.1, वेरी गुड 0.1। अब यू का स्क्वायर, यू कितने से गया है बोल, 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और वी कितना है, 0.8 है, 0.8 माइनस 0.8 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, माइनस 0.8 × 0.8 का 0.8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.64 नहीं होगा क्या। 0.64। हाँ बिल्कुल सही, यस सर। 0.64, सो 1/2 × 0.1, और 0.64 गया, 1 में से कितना बचा, 0.36। 3/6, बिल्कुल सही 0.36, क्लियर है। यस सर। ओके, सो ये क्या हो गया बेटा, 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ये बन जाएगा 0.036, बनेगा कि नहीं ट्वेंटी बनेगा। जीरो थ्री सिक्स ओके, यस इसका सर। आधा कर दोगे तो आंसर आएगा 0.03, सॉरी 1/8, 18/36, क्लियर है। यस सर। लिखो आंसर, 0.018 जूल इज द करेक्ट आंसर। यस सर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 1 किलोग्राम व यस 4 किलोग्राम के दो पिंडों के संवेग समान हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। संवेग समान है, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या देखो, 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंडों के संवेग समान हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात आपको ज्ञात करना है, मतलब दो संवेग समान हैं। संवेग का फॉर्मूला क्या K1 होता है बेटा, P बराबर एम इंटू वी, और अपॉन आपको निकालना है के वन अपॉन के टू, ठीक है। K2। यस सर। चलो करो,
नहीं आ रहा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो हमारे पास दिया गया है कि दो पिंडों के संवेग समान है, दिया गया है ना बेटा। यस सर। तो मतलब हमें क्या दिया गया है बेटा, पी वन इक्वल टू पी टू। हाँ बोलो बेटा क्या आंसर है। सर 2:1। अच्छा 2:1। यस सर। चलिए देखते हैं कि 2:1 सही जवाब है कि गलत जवाब है। हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। तो आपको दिया गया है पी वन अनुपाते पी पी वन इक्वल टू पी टू, इसका मतलब एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू। बोलो दिया है ना बेटा। यस सर। ओके और आपको निकालना है के वन और के टू का रेशियो, ठीक है ना। और यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, मतलब एम वन बराबर कितना दिया गया है बेटा 1 kg, और एम टू बराबर दिया गया है 4 kg। ये जानकारी हमको दी गई है सवाल में। और गतिज ऊर्जाओं के अनुपात निकालना सर है तो के वन अपन के टू चलिए निकालते हैं। तो देखो के वन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर। बोलो अदिति होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। ओके हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया एम वन वी वन का स्क्वायर, एम वन इंटू वी वन का स्क्वायर और एम टू इंटू वी टू का स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। ओके देखो बेटा ध्यान से, मैं यहाँ से क्या मैं एम वन वी वन के स्क्वायर को, ये होल स्क्वायर नहीं है बेटा, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, ये केवल वी वन का स्क्वायर है और केवल वी टू का स्क्वायर है, क्योंकि फार्मूला आपको पता है। हाँ या ना। यस ओके अब देखो ये क्या मैं इसको एम वन वी वन गुणे वी वन और क्या मैं इसको एम टू वी टू गुणे वी टू नहीं लिख सकता क्या। सर लिख सकते हैं। ओके और आपको पता है कि पी वन बराबर पी टू है, इसका मतलब जितना एम वन वी वन है उतना क्या है एम टू वी टू। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं करेंगे, कर देंगे ना। यस तो केवल क्या बचेगा, ऊपर नीचे वी वन अपॉन वी टू बचेगा ना। तो सर। वी वन अपॉन वी टू बच गया। और अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी कि एम वन इक्वल टू एम टू वी टू, एम वन वी वन इक्वल टू था एम टू वी टू। तो मैं वी वन के लिए यदि वी टू को नीचे ले आऊंगा तो यहाँ एम टू के नीचे कौन जाएगा, एम वन जाएगा कि नहीं जाएगा। यस सर। तो यहाँ एम टू की वैल्यू कितनी दी गई है 4, और एम वन की वैल्यू कितनी दी गई है 1, मतलब वी वन अपॉन वी टू की वैल्यू क्या हो गई 4:1। यही आपका आंसर है, चलो नोट कर लो, के वन बटे के टू बराबर 4:1। ठीक है। यस सर। ठीक नोट कर लिया। यस सर स्क्रीनशॉट ली। यस ठीक है, अभी ये भेजूंगा, अभी अभी तो नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करें, रेडी। यस सर। ओके अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन लिखिए, सिंपल सा सवाल। देखिए 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली को, द्रव्यमान क्या दिया गया है 0.10 किलोग्राम, मतलब डेसिमल के लगाने का कोई मतलब होता नहीं, डेसिमल के बाद जीरो का मतलब ये 0.1 ही है, बेवजह डेसिमल लगा रखा है। 0.1 किलोग्राम लिखिए, 0.1 किलोग्राम की एक गोली को कोई, मतलब समझ रहे हो ना बेटा ये बात, 0.1 कहा जाए या 0.10 कहा जाए या 0.100 कहा जाए या 0.1000 कहा जाए, इन सब का एक ही मतलब है और वो है 0.1। हाँ या ना, यस सर। क्योंकि दशमलव के बाद लगाए गए जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, डेसिमल के एंड में जो जीरो आते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो नंबर के आखिरी में जो जीरो आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, वेग से विरामावस्था में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा।
ठीक है, यस सर। समझ में आया? चलो करूं, इसको विरामावस्था में लाना है, कितना कार्य करना पड़ेगा? सर 80 जूल कार। अच्छा, आ गया बेटा आपका? नो सर। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसमें ये क्या कह रहा है कि एक जो कोई गोली है वो 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। तो ये गोली है, ये 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, और आपको बताना है कि इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है। तो बेटा साफ साफ बात आ रही है कि यदि ये गोली यहाँ पर जा करके रुकेगी सॉरी तो सर। इसकी जो पूरी ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। ओके, आपको इसका पूरा इसको रोकना पड़ेगा। तो आपको ये निकालना है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी भरी हुई है। तो आपको इसकी कुल गतिज ऊर्जा ही निकालनी है, क्योंकि जो इसकी कुल गतिज ऊर्जा है वही यह कार्य कहलाएगी, उतना ही ये कार्य करेगी, क्योंकि इसके अंदर गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा कैसे खर्च होगी भाई? चलती जाएगी गोली और खर्च होती जाएगी, और जिस समय ये गोली जा करके रुक जाएगी, है ना, विराम में आ जाएगी, तो इसकी पूरी गतिज ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो अपन को निकालना है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम का मान कितना है? 0.1। वेग कितना दिया हुआ था? 400। तो 400 का स्क्वायर 400 × 400 कर दो भाई, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 400 × 400 कितना हो गया? 16। 1, 2, 3, सर 4। सॉरी सर, और 8,000 आएगा। 0.1 है, 0.1 को ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 8,000। बिल्कुल सही, तो करेक्ट आंसर है 8,000 जूल। नोट कर लीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। अगर विरामावस्था में, यानी जब तक वस्तु में गतिज ऊर्जा रहेगी तब तक वो गति करती रहेगी। एग्जैक्टली, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा है, समझ गए ना? मतलब अगर यस सर। गतिज ऊर्जा खर्च होती जाएगी, और एक समय पर आ करके जो वस्तु है, तो जिस समय ये चली थी वी वेग से, उस समय इसके अंदर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। चलते 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 बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पर यदि ये रेस्ट पे आ चुकी है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। अब आपसे कोई बोले कि कितना कार्य किया गया, तो कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो पहली गतिज ऊर्जा थी हाफ एम वी स्क्वायर, अंतिम गतिज ऊर्जा 0। तो आंसर कितना हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या बोलते हैं? हाँ, तो लिख लो कॉपी में, कार्य ऊर्जा प्रमेय बराबर गतिज ऊर्जा, लिखो, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, किया सर गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यस सर।
चलिए ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। मैं बेटा थोड़ी जी देर में सर। आपको नोट्स भेज दूंगा, तो आप इसकी फिर प्रैक्टिस करना वो नोट्स से, ओके। हाँ सर। वर्क पावर एनर्जी के मैं आपको नोट्स दे दूंगा, तो आप उससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जी सर, इसी टॉपिक पे प्लीज आप क्वेश्चन भी दे देना, मेरे उसी में पास रहेंगे, है उसी नहीं। पे रहेंगे बेटा, नोट्स भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेंगे, हाँ ठीक है सर। ना, जी इसी सर, जी टॉपिक पर सर, बेस्ड रहेंगे, ओके। जी सर। ओके सर, थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके।